जिसकी फीस पूरे जीएस की फाउंडेशन की फीस जो लोग कोचिंगें लेती हैं 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए लेती हैं उसकी फीस सिर्फ 501 रुपए का शो शुरू होगा। लेकिन परेशान मत करना, मुझे किसी चीज के लोग ज्यादा परेशान कर देते हैं तो वो चीज कर मैं उससे हो ही नहीं पाती। कोई फोन मत करो, कोई मैसेज मत करो। पूरा फाउंडेशन कोर्स, पूरी एनसीईआरटी, और ये मंथली देना है। एक महीना पढ़िए 501 रुपए में। तो किसी को हिस्ट्री पढ़ना होगा, किसी को सिर्फ पॉलिटी पढ़ना होगा, किसी को सिर्फ और पहला जो कोर्स शुरू होगा मैं ही करूंगा हिस्ट्री इतिहास हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया हिंदी बिलिंगुअल बिलिंगुअल बाइलिंगुअल सब पढ़ो। आर एस शर्मा लिख लो एनसीईआरटी का नाम आर एस शर्मा। मेडिवल इंडिया ये नहीं पढ़ाऊंगा, आजकल समय बहुत खराब चल रहा है, नहीं तो फिर लोग कहेंगे मौलाना वो दो जा। मैं इस्लाम की तारीफ इसलिए करता हूं कि इस देश में जो असफाकुल्ला खान और एपीजे कलाम और अब्दुल हमीद जैसे मुसलमान हैं उनको यह एहसास हो कि हमारे भाई हमारे समर्थन में खड़े रहते हैं। मैं मुसलमानों का साथ नहीं देता क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद रिलीजियस वननेस की बात करते हैं। वो जो हमारे भाई है ना अब्दुल हमीद की तरह जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता था, असफाकुल्ला खान की तरह, एपीजे कलाम की तरह, उनको विश्वास हो आशा बने कि नहीं यार इस देश का आदमी हमें भी समर्थन करता है। जहां वो गलत है वो भुगतेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। जो जहां गलत है वो वहां परेशान तो होगा ही। इसका पीडीएफ डायग्राम में पूरा डायग्राम पहले बता दे रहा हूं। बाद में मेडिवल नहीं पढ़ाया, अरे भैया इस पूरे कोर्स प्रोग्राम का नाम है ब्लूटूथ। सेल्फ कनेक्टिविटी, सोचना, विजन, फारसाइटेडनेस, अप्रोच। जितना पढ़ा दूंगा धन्यवाद मान कर देना। मॉडर्न इंडिया पूरा पढ़ाएंगे। मॉडर्न इंडिया पूरा पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी कौन सी, विपिन चंद्रा, दो चीज पूरा पढ़ाएंगे, एक मॉडर्न इंडिया की विपिन चंद्रा और एक एंशिएंट इंडिया की आर एस शर्मा। इसका पूरा पीडीएफ डायग्राम में, पूरा चित्र पूरे मेडिवल इंडिया का डायग्राम देगा। जिस दिन दिल्ली में नहीं रहेंगे ये लाइव क्लास होगी, कुछ रिकॉर्डेड भी रहेंगे। जिस दिन दिल्ली में नहीं रहेंगे उस दिन क्लास नहीं चलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उस दिन न्यूज़पेपर का सेशन हो जाए, कुछ और इवेंट हो जाए, खाली ना जाए, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहे। और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी सुनाऊंगा, पूरा पूरा। क्या है इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन, क्या है क्रांतियां, कैसी होती है क्रांति, क्यों होती है क्रांति, कैसे एक राष्ट्र का जन्म होता है, जर्मनी 1871, कैसे विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट टू, रामाधीर सिंह ब्रिटेन, जर्मनी फैजल,
जेपी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डेफिनेट जापान, ठेकेदारी की लड़ाई ही तो है, तुम इतना दिमाग लगाते हो। जैसे शहर के लेवल पे ठेका पट्टा का मामला चलता है, ऐसे दुनिया के लेवल पे चलता है। तो जैसे शहर में शूट आउट होता है, ऐसे दुनिया के लेवल पे युद्ध होता है। इतना टेंशन नहीं लिया जाता। तो ये पूरा पढ़ाऊंगा, ये पीडीएफ दूंगा, चित्र हिंदी में सब लिख लो। नहीं भैया, तुम लोग तो ऐसा पकड़ लेते हो। भैया मैं मेडिवल मॉडर्न इंडिया विपिन चंद्रा पूरी पढ़ूंगा और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी कहानी पूरी, अगर मौका लगा, टाइम मिला तो उसका भी एक एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, क्लास 12th वाली, कंटेम्पररी समकालीन विश्व इतिहास।